मैं सागर से भी गहरा हूं। सुनिए, एक अर्ज है, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगी, तुम मुझको कब तक रोकोगी। क्लियर। चलिए, तो इसी कहावत से जरा थोड़ा सा हम आगे डिफरेंसिएशन को आगे बढ़ाते हैं, और इस डिफरेंसिएशन का पुनः एक शॉर्टकट ट्रिक जो सामने लिखा हुआ दिख रहा है, और ये शॉर्टकट ट्रिक जो है ये आपके बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में काम आ जाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा समझेंगे। और इस तरह का जो क्वेश्चन दिख रहा है ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डॉट इनफिनिट, इनफिनिट टर्म का जब क्वेश्चन रहे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके बारे में। तो एक चीज तो फ्रेश पता चल रहा है क्या, कि रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स डॉट डॉट टू इनफिनिट डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट का सबसे आसान तरीका है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाएगा और उसका डिनोमिनेटर में 2y-1 लिख देना है। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है सामने जो दिख रहा है, cos x प्लस cos x प्लस cos x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि cos x का जो फॉर्म है इस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का क्या हुआ -sin x जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर क्या करेंगे 2y-1, जो कंप्लीट आंसर हो गया, यानी जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हमको 5 मिनट में था वो 5 सेकंड के अंदर ये सॉल्यूशन हो गया, ये कंप्लीट आंसर है। एक क्वेश्चन हम और बताते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन है। देखिए रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट रूट इनफिनाइट, बस करना क्या है कि जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक्स का डीसी क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। और डिनोमिनेटर क्या कर देंगे 2y-1, डायरेक्ट आंसर यानी कंप्लीट आंसर। क्लियर, यानी मिनटों का काम एकदम सेकेंडों में बन रहा है जो सामने दिख रहा है। अब क्वेश्चन हम देते हैं, वो क्वेश्चन और भी थोड़ा देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जरा ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं और ये अगर समझ में आ गया तो आपका जिंदगी एकदम बदल देगा। क्लियर, देखिएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट इनफिनिट, और कैसे इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट रूप में। तो साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले जो भी फंक्शन है चाहे साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे जो भी रहे उसका डिफरेंशिएट कर देना है। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है। और डिनोमिनेटर में 2y-1 आराम से लिख देना है, एकदम क्लियर है। अगर कोई भी विद्यार्थी कंपटीशन में आ जाए तो इस क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं लगाना है, डायरेक्ट एकदम क्लियर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन देंगे और दोनों क्वेश्चन को विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, और इससे अनुमान चलेगा कि विद्यार्थी जरूर से जरूर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। क्लियर, तो दोनों क्वेश्चन हम देते हैं इसको नोट करने के बाद। चलिए, तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दो सामने जो दिख रहा है ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ गया है तो विद्यार्थी जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा कौन सा होगा और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मेरा कौन सा होगा। क्लियर, और ऐसा ही अगर वीडियो और भी जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट तैयार रहिए, और एक बार जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए ताकि इसमें और भी बहुत सारे मैं थ्योरी दिया हूं और ऐसा ही सुपर शॉर्टकट ट्रिक बना करके एक प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, बहुत सारा ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन, 2 क्वेश्चन है सामने दिख रहा है और सभी विद्यार्थी जरूर जरूर बताएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। क्लियर, और ये जो है जो भी बताया जा रहा है उस चीज को थोड़ा सा अच्छा समझना है, नोट करना है और क्लियर रूप से इसको यूज करना है एग्जामिनेशन में। चलिए ठीक है, इसी तरह से जो है और भी बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट क्लास में और भी हम लाएंगे।
जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए डिफरेंशिएशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और अगले बार हम इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए स्टॉप कर रहे हैं।